नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंस। तो आप देख सकते हैं ये एक टीपीलिंक का राउटर है जो कि डुअल वाईफाई एंटीना के साथ है। और ये मैं खोल के रखा हूँ, यहाँ पे दो स्क्रू था तो दो स्क्रू मैं निकाल दिया। और इसका मॉडल नंबर आप देख सकते टीपीलिंक 300 एमबीपीएस वायरलेस एंड राउटर, इसका मॉडल नंबर आप देख सकते यहाँ पे TLWR841N। तो गाइज ये पावर 9 वोल्ट में लेता है 0.6 एम्पीयर में। तो इसका एडाप्टर जो ओरिजिनल था वो खराब हुआ है अभी, पर अभी हम दूसरी एडाप्टर से इसे चालू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो गाइज आजकल तो मार्केट बहुत खराब चल रहा है, तो इसकी वजह से आपको वीडियो ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ये लगा दिया और यहाँ पे ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है। सॉरी पावर बटन, ये जो पावर बटन पहला वाला जो तो होता है, ये वाला पावर बटन जल रहा है, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद ये सब चालू हो जाएगा। और आईपी क्या इसमें लगा हुआ है? आईपी यहाँ पे है, आईपी सेट है इसमें, है ना? तो रिसेट करना पड़ेगा। तो गाइस इसमें तो आईपी सेट है क्योंकि यहाँ का जो मेरा ब्रॉडबैंड है ये अलग है, तो इसे एक बार रिसेट करेंगे। तो यहाँ पे वाईफाई का ऑन ऑफ का एक बटन है और यहाँ पे एक WPS रिसेट वाईफाई पासवर्ड रिसेट का है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा कोई रिसेट का बटन मेरे को दिख नहीं रहा है रिसेट का, दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे में है ये वाला, तो गाइस इसमें से रिसेट कर देंगे हम लोग। और ये देखिए रेड इंडिकेटर जल रहा है, मतलब ये यहाँ पे ये लैन डिस्कनेक्टेड का मतलब होता है रेड, बराबर। तो इसे एक बार रिसेट कर देंगे, ये लाइट एक बार सब बंद हो जाएगा, पर ये काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ये जिसका वाईफाई है वो मेरा एक भाई है, मतलब बहुत 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 अच्छा फॉलोअर है मेरा। और तो गाइस ये देखिए ये रिसेट हो चुका है, पर ये जो रेड सिंबल अभी भी जल रहा है। तो इसे खोलेंगे और यहाँ पे नेट अभी भी मौजूद है, पर इसे खोल के आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत आ रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का 4 आउटपुट पोर्ट है और एक इनपुट पोर्ट है, ये सब लगा हुआ है बिल्कुल। और यहाँ पे कॉइल्स वगैरह है, मतलब कि बहुत कुछ है। और यहाँ पे एक बायोस है और यहाँ पे एक क्रिस्टल है 25,000 मेगाहर्ट्ज का। तो गाइस यहाँ पे आपको ये 470 माइक्रोफैराड का 6.3 वोल्ट का एक कैपेसिटर मिल रहा है और यहाँ पे 100 ओम्स का आपका कॉइल मिल रहा है। और यहाँ पे बड़ा वाला जो कैपेसिटर है वो है 16 वोल्ट का 470 ओम्स का है। तो गाइस ये कैपेसिटर सबसे पहले चेंज करके देखेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है इसे एक बार सोल्डरिंग करके देखेंगे, ठीक है। तो एक बार साफ करके देख लेते हैं। और अब इसे सोल्डरिंग करेंगे यहाँ से जो इनपुट हो रहा है इसमें, और ये जो तार वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है ना इसके अंदर, तो इसे भी थोड़ा सा साफ करेंगे। और इसे साफ करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और देखते रहिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत आसान काम होता है ये सब रिपेयर करना, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये रिपेयरेबल नहीं होता है, तो आप देखिए ध्यान से और उसके बाद इसमें कार्रवाई कीजिए। जैसे होता है कि छोटा मोटा प्रॉब्लम है और आपने दूसरी जगह पे कुछ गलत सलत कर दिया, तो उसकी वजह से भी वो खराब हो सकता है, ठीक है। तो उसी को आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे जो पिंस लगा हुआ है इसे एक बार साफ कर लेना ऐसे, और इसे साफ करने के बाद आप ये कैपेसिटर को चेंज कर लेना। तो गाइस आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मेरा कैपेसिटर यहाँ पे है,
कैपेसिटर को चेंज करके लगाएंगे और वहां पे 1000 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट का लगाएंगे, तो वो बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। पर यहाँ पे 1000 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट का नहीं मिल रहा है, तो गाइस 25 वोल्ट का लगा देंगे, क्योंकि 25 वोल्ट और 16 वोल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने हाई वोल्टेज की जगह लो वोल्टेज लगा दिया तो आपका कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। देखिए ये बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर इसमें 16 वोल्ट में काम करते हैं, मतलब 16 वोल्ट से भी कम है, मतलब 9 वोल्ट इनपुट होता है पर यहाँ पे 12 वोल्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 25 वोल्ट आपने अगर लगा दिया 16 वोल्ट की जगह में तो तब भी ये काम करेगा बिल्कुल, क्योंकि इसका जो कैपेसिटी है वो है 1000 माइक्रोफैरड जो कि सेम ही है, पर ये वोल्टेज हाई है तो ज्यादा हाई है, उतना ज्यादा हाई नहीं है, तो यहाँ पे आप तो 200 वोल्ट का नहीं लगा सकते, पर ये 25 वोल्ट चलेगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से भी चलेगा। और गाइस अब यहाँ पे अगर ज्यादा वोल्टेज इनपुट होता है और वहां पे आपने 6.3 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दिया तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगा, तो ये बात ध्यान में रखिए। और ये देखिए मैं इसका जो लीड है इसे काट रहा हूं, सॉरी ये कटर अच्छा नहीं है, दूसरी कटर लेना होगा मेरे को, ये पुराना था तो ये मैं काटा। और आप इसे थोड़ा सा ऐसे साफ कर सकते हैं मेटल की कोई लीड से, नाइफ से। ठीक है, और फिर यहाँ से आप ये कैपेसिटर को निकाल सकती है, और निकालने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ होता है ना इसे भी चेक कर सकते हैं, तो उसे चेक करेंगे बाद में, क्योंकि ये कैपेसिटर ये बहुत ही पुराना हो चुका है अभी, तो इसे ये जो कैपेसिटर है ना उसे निकाल के और उसके बाद वो डायोड को चेक करेंगे, और डायोड भी अगर खराब है तो डायोड को भी चेंज कर देंगे, क्योंकि डायोड का प्राइस लगभग 50 पैसा है, मतलब वो उसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, तो उसे भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो गाइस ये कैपेसिटर को सबसे पहले निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो ये देखिए ये कैपेसिटर को मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, एक लीड में ऐसे एक एक करके धीरे धीरे आपको ऐसे निकालना होता है और पीछे से धीरे धीरे करके खींचना होता है, तो ये हाथ में आ जाता है बराबर हो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड में नेगेटिव है और दूसरी साइड में आपका पॉजिटिव है। तो गाइस यहाँ पे एक जो डायोड है ये वाला डायोड का भी दिक्कत करता है, तो ये डायोड का कॉन्फ़िगरेशन एक बार चेक कर देंगे, और चेक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चेक करने जा रहा हूँ, यहाँ पे ये डायोड के सिंबल में रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे ये डायोड का जो एनोड है तो उसमें लगाएंगे, और वहां से नेगेटिव में कोई पावर सप्लाई नहीं आ रहा है, मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं आ रहा है नेगेटिव में, मतलब ये पॉजिटिव वोल्टेज ही है, और इसे पलट करके एक बार चेक करेंगे, तो ये डायोड अच्छा है, पर इसे निकाल के आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कभी कभी ये डायोड की वजह से भी ऐसा लिंक नहीं लेता है, क्योंकि ये पावर अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसे आप डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हैं, पर ये तो अच्छा है तो इसे डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करेंगे अभी, इसे एक बार सोल्डरिंग कर देंगे, और करने के बाद वो कैपेसिटर को लगा के इसे चेक करके देखेंगे। ठीक है, तो गाइस ये प्रॉफिट करने के लिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इसे मत रिपेयर कीजिए, क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा नहीं है, वो 800-900 में आपको मार्केट में मिल जाएगा नया वाला, तो इसे सर्विस भी मत करवाइए। ठीक है, सॉरी गाइस ये मेरे पकड़ में नहीं आ रहा तो गाइस ये बराबर सोल्डरिंग कर दिया मैं, और इसे एक बार थोड़ा सा साफ करेंगे, और साफ करने के बाद थोड़ा सा हीट देना होगा, ठीक है, और यहां से भी साफ करेंगे इसे, और ये क्रिस्टल को भी एक बार सोल्डरिंग कर देंगे बाद में। ठीक है, तो अभी यहां पे थोड़ा सा हीट दे देंगे, क्योंकि ये थिनर वगैरह जो लगा हुआ है ना तो इसे आपको हीट देके सुखाना होगा।
गाइस ये अब हो चुका है और अब बारी है इसे फिर से चेक करना। तो यहाँ पे जो ब्लू वाला कनेक्शन है तो यहाँ पे हम लगाएंगे ये इनपुट वाला नेटवर्क को और पावर में डालेंगे, पावर का जो केबल है उसे डालेंगे। ठीक है, पर किधर है केबल मेरे को नहीं मिल रहा अभी। हाँ ये मिल गया है और इसे अब यहाँ पे लगाएंगे फिर से और ये फिर से रेड हो चुका है ऑन। और ये आप देख सकते हैं कोई लैन का केबल नहीं है यहाँ पे, वाईफाई दूसरी नंबर पे हुआ है, वाईफाई है तो वाईफाई से देखेंगे कि इसका वाईफाई क्या आ रहा है। ये क्या हो रहा है तो गाइस ये आप देख सकते हैं ये लिंक मतलब इंटरनेट एक्टिवेट हो चुका है बराबर, अब देख लीजिए। तो गाइस ये दूसरा नंबर पे है आपका इसका वाईफाई, ये देखिए आप। ठीक है, ये दूसरी नंबर पे है इसका वाईफाई तो ये भी बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, और ये देखिए मैं फिर से चालू करके दिखाता हूं आपको, ये फिर से चालू किया थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा। ये देखिए ग्रीन हो चुका है, वाईफाई भी ऑन हो चुका है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।